नमस्कार फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी चिकन करी विद पोटैटो। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से धो लीजिएगा। देखिए कैसे धो रही हूँ, उसी तरह अच्छे से धो लीजिएगा। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे 1 चम्मच नमक, हल्दी और सरसों का तेल। बस ये 3 चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मैरिनेशन के लिए, और कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जैसे कर रही हो इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और हो जाने के बाद इसे ढककर रख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे, उसमें लेंगे हम प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। इसका हम अच्छा से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये आलू को फ्राई करने के लिए लेंगे। आलू को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर का छिलका थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए, तभी हो जाएगा। और इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं देंगे आलू में, बस नमक। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक हाफ बॉयल करके इसे फ्राई कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे चीनी, तेल पर चीनी डालेंगे। इससे खाना मीठा नहीं बनेगा, इससे रंग बहुत अच्छा आता है अगर हम लोग तेल पर चीनी यूज़ करते हैं। ये थोड़ा बंगाली स्टाइल का है इसीलिए। देखिए चीनी कैसे ऊपर आ रहा है। जब चीनी ऐसे पूरा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें देंगे 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्च। इसे फ्राई करने के बाद हम लोग देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है। उसके बाद हम लोग देंगे हल्दी प्याज पर ही। हल्दी देने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी वो देंगे, उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे खसखस। खसखस का मतलब होता है जो हम लोग पोस्तो बोलते हैं, पॉपी सीड्स, वो। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद नमक, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा पानी, सब एक साथ इसमें मिक्स करके डाल देंगे। पानी इसीलिए ऐड किया है क्योंकि उस पर थोड़ा सा ग्रेवी नीचे से जलेगा नहीं, और इसे फुल फ्लेम में बनाइएगा। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे, और ऊपर से चिकन के साथ ग्रीन चिल्ली भी हम ऐड कर देंगे। देखिए उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। देखिए कैसे सुंदर से पूरा मिक्स हो गया, इसी तरह से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद टमाटर और धनिया के पत्ते। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी धनिया के पत्ते क्यों दे दिए, क्योंकि हमें ऐसे ही खाना पसंद है। ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, जो धनिया नहीं खाते वो भी खा लेते हैं, जो धनिया के पत्ते का जो स्मेल होता है वो पसंद नहीं करते, इससे वो भी पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद हम इसे इसी तरह से कुछ देर पका लीजिएगा। उसके बाद इसे ढककर लो फ्लेम पे पकाइएगा। अब जो ढकने का प्रोसेस है वो थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। इसे 2 से 3 मिनट ढककर रखिएगा, फिर ढक्कन खोल के आप करछी चलाइएगा हाई फ्लेम पे, और फिर लो फ्लेम पे करके आप इसे ढककर रखिएगा। इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू कीजिएगा। इससे क्या होता है, जो चिकन का जो अंदर का जो कच्चापन रहता है वो एकदम से चला जाता है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए मैं इसी तरह से कर रही हूँ, एक बार ढक्कन खोल रही हूँ फिर लगा रही हूँ। जब आप लगाइएगा ढक्कन तो लो फ्लेम में लगाइएगा, ये चीज़ का याद रखिएगा। उसके बाद हम जो फ्राई किए हुए आलू थे उसे मिक्स कर देंगे इसके साथ। उसके बाद फिर हम 1 से 2 बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपका चिकन बना या नहीं बना, नहीं तो इसी तरह कंटिन्यू कीजिएगा। इससे चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। प्रोसेस कंप्लीट होने का थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी करूँगी इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इस पानी को अच्छे से उबालूँगी। याद रखिएगा
हमेशा गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जो प्रोसेस बताया है प्लीज़ उसे करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा चिकन का टेस्ट आता है और चिकन अंदर से एकदम बॉयल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए कितने सुंदर हो गया। अब हम लोग इसे एक अलग से बर्तन पर निकालेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा बना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।